शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, हट जाओ सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? सुनिए, कौन से अस्पताल में है आपकी बेटी? मिस्टर अमर, आई एम सॉरी, मैं आपको एक बहुत बुरी खबर देने जा रहा हूं। चाचा जी, खन्ना अंकल चाचा जी नहीं रहे। चाचा जी बेटे, मैं समझ सकता हूं कि जिस चाचा ने तुझे बाप से भी बढ़कर प्यार दिया, उस चाचा की मौत से तेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, समझ सकता। ये लो, इसे पढ़ो। मेरी मौत को कत्ल ना समझो, ये खुदकशी है। ब्रेन ट्यूमर के दर्द ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वैसे भी मैं बहुत कम दिनों का मेहमान था, डॉक्टर ने 6 महीने की मुद्दत दे दी थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 6 महीने तक इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मैंने खुदकशी कर ली। इस मौत से किसी का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही किसी को इसका इल्जाम दिया जाए। राम कुमार सक्सेना। सॉरी बेटे, एक फैमिली डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे चाचा जी को बचा नहीं सका। तुम्हारे चाचा जी इतने कमजोर निकलेंगे इस बात का मुझे पता ही नहीं था। माना कि उन्हें तकलीफें बहुत थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। अमर, मौसी तुम सोइए। बुढ़ापे में जिन आंखों ने इस घर में इतना भयानक मंजर देखा हो, उन आंखों में नींद कहां से आएगी? चल बेटे, खाना खा लो। नहीं मौसी, मुझको भूख नहीं। मौसी का मतलब जानता है? मौसी यानी मां सी, मां की बात नहीं डाला करते। अच्छा बताओ, इस तरह गम में डूबे रहने से क्या होगा? नहीं बेटे, अपने खानदान का इतना बड़ा बिजनेस है, उसे तुझे ही आगे बढ़ाना है, तुझे हिम्मत रखनी होगी। हाँ बेटे। भाई साहब, क्या है? मैं ये 2 टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये 2 टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर जाकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर, हाँ। बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया।
इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और एड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये दो टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, खामखा मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना ठीक रहेगा, जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो बस अनसोल लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा लेकिन पैसे लगेंगे। हो पैसे? हाँ, जूता बना के देता ही है, मैं फिर से मदारी बन जाऊं। अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन, मैं तुझे समझाता हूँ। इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है, तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूँ। अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। सारे लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबके लिए होटल बुक कर। ओके सर। रोहित, रोहित बेटा। ए रुको रुको, कौन हो तुम, कहाँ घुस रहे? मुझे साहब से मिलना है। तुम्हें और छोटे सरकार से मिलना है? बहुत जरूरी काम है। अंडर मीटिंग चलिए, दो घंटे बाद आना। दो घंटे बाद? दो घंटे बाद। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपनी खेतान इंडिया लिमिटेड हर किस्म का फैन बनाती है, और उसकी खास बात यह है कि हम उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी रीजनेबल है। यही वजह है कि आज इंडिया में हमारी सेल इतनी जबरदस्त है। आज की यह मीटिंग रखने का खास मकसद यह है कि हमें अपनी क्वालिटी को इसी तरह बरकरार रखना है, ताकि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हर कंपनी के साथ कंपीट कर सकें। And thank you very much. सलाम साहब। हाँ सलाम। रोहित, रोहित बेटे, अरे कहाँ हो तुम? कैसे हो? कौन? माफ कीजिएगा, मेरा नाम अमर है। कौन है ये? मैं जानता हूँ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम शायद अपनी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते। मत बताओ, लेकिन एक बार चलकर सीमा को देख लो। कौन सीमा? तुम सीमा को नहीं जानते? जो लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, जो तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए जिंदा है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद जो ना ठीक से जी पा रही है न मर पा रही है, तुम उस सीमा को नहीं पहचानते? हर बाप का एक अरमान होता है कि वो अपनी बेटी का बसा हुआ घर देखे। अगर इस बाप का अरमान है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ जिंदा देखे, एक बार उसे चलकर देख लो, शायद जी जाए, शायद डेढ़ साल से बंद उसकी जबान फिर से बोल पड़े। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम रोहित नहीं, अमर है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, और ना मैं आपको जानता हूं और ना ही मैंने किसी लड़की से कभी इश्क किया। दीपक। यस सर। एक काम करो, इनकी बेटी के इलाज के लिए कुछ। ओके कम ऑन फ्रेंड्स। सुनो बेटा, तुमने सही कहा था, मैं वाकई धोखा खा गया हूं। तुम रोहित नहीं हो, और उसका सबूत है ये नोट। अगर तुम रोहित होते तो मेरे हाथ में ऐसे भीख के नोट नहीं थमाते। इसे रख लो बेटा, भगवान तुम्हें और दे। मेरी बीमार बेटी के दुख ने मेरी हालत बना दी है कि लोग मुझे भिखारी समझने लगे हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे रोहित जिंदा है, और शायद तुम्हें देखकर मेरी बेटी जी जाए।
माफ करना बेटा, तुम्हारे समय बहुत बर्बाद किया। मालिक तुमको और दौलत दे, और तरक्की करो बेटा। सुनिए, कौन से अस्पताल में है आपकी बेटी? बेटी, ए बेटी, अरे कुछ तो बोल। ये देख, तुझसे मिले कौन आया है? ए, रोहित आया बेटी, रोहित आया। इसे जी भर के रो लेने दीजिए, इस सदमे का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। सीमा, सीमा बेटी, बेटी, डॉक्टर साहब। यस नर्स, क्या? प्लीज डोंट वरी, मारे खुशी के बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, तब तक आप लोग जरा। ओ या श्योर नर्स। बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं हैरान इसलिए हूँ कि आपने मुझे रोहित कहकर पुकारा, आपकी बेटी ने भी मुझे रोहित कहकर पुकारा। ये सब क्या चक्कर है? मैं समझाता हूँ, ये देखो। इस लॉकेट में मेरी तस्वीर कैसे? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये रोहित की तस्वीर है। बड़ा नेक और शरीफ लड़का था रोहित। सीमा और रोहित बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने मेरे बेटी के भाग में लाल जोड़ा और हाथों की मेहंदी तो लिख दी थी, लेकिन सुहागन होना नहीं लिखा था। रोहित शादी के लिए अपने माँ बाप को लाने गया, वो तो नहीं आया, उसकी मौत की खबर आ गई। सैड, वेरी सैड। रिलैक्स, रिलैक्स मिस्टर जगमोहन, आपकी बेटी को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उसे मिल सकते हैं। Wait a minute. Let me see. Come. Seema. Rohit. Rohit, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता, पता है लोग कैसी कैसी बातें करते थे कि तुम तो, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि तुम जिंदा हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं। तुमने ऐसा मजाक क्यों किया रोहित? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? I'm sorry, Seema. Don't cry. दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि तुम मेरे बगैर जी सकोगी या मुझे खूबसूरत सपना समझकर भूल जाओगे। मगर तुम अपने इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हुई, और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊंगा पहले की तरह। पहले? बिल्कुल इसी तरह। तुम्हें याद है हमारे घर के सामने ही तुम्हारा एनसीसी कैंप हुआ करता था, और कैसे तुम मुझे रोज चीरा करते थे। अर्ज किया है? शुक्रिया। शिकार उसने किया, शिकार उसने किया, वाह वाह। शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया। वाह वाह, क्या बात है। शिकार उसने किया, दिल को तार तार किया, पूरा किया अनवल जो किसी लड़की से प्यार किया। जिएंगे साथ साथ, मरने की कस्में खाई थी। जिएंगे साथ साथ, मरने की कस्में खाई थी, यही समझ कर तो अनवर ने एतबार किया। शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया। अमर रोहित मियां, इन खेलने खाने के दिनों में ये आंसुओं की धारा क्यों? क्या बताऊं अनवर, मैं भी तेरी तरह इश्क में पड़ गया हूं रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेरे इश्क की दुकान तेरी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अनवर, मैंने सुना है कि लड़कियों पर लव लेटर का बहुत भारी असर होता है, खासतौर पर जब वो उर्दू में लिखा हो। मैं कुछ समझा नहीं रोहित मियां। उर्दू की मिठास लड़कियों के दिलों को चीर देती है अनवर। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, तुझे मालूम नहीं तू क्या चीज है? तू जिस कागज को हाथ में पकड़ता है ना, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि अनवर मुझे काला कर रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। तू जिस कलम को उठाता है, वो अपने आप पर नाश करती है कि मैं अनवर की उंगलियों में खेल रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तू जिस स्याही से लिखता है ना, तेरे ख्यालात पे कुर्बान होने के लिए स्याही की बोतल अपना मुंह फाड़े बैठी रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर, ख्यालात तेरे, खतरा, उठा कलम। उठाता हूँ, लिख लिखता हूँ। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि ये लोहे की गाड़ी है। आता ना, जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो इंजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से, अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना, तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं? चल डैडी, खुद के बाल नोचे। मेरे बाल नोचेगी? हम कहा नहीं है, हमें बैठा के बैगन वहावे चल जाए। हम कहा नहीं है, हमें बैठा के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है अड़िया सरिया, मोरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत। हम कहा नहीं है, मैं बैठा के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है? हट जा सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? अंदर मालकिन ने दूध लाने के लिए कहाँ पहुँचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? अगर हम तो अंदर जाएंगे देने, तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? बहुत कमाल की चीज है। फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे, हाँ। अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या भरतना टेम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए, तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई, ये देखो हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खेड़े के आदमी, हमारा इतना काम तो करी दो, उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए दे, तो अब देखो हम किसको कहां पहुंचाते। डैडी डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कहे को बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना, घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? कौन है? अरे ए, उस इडियट की हिम्मत कैसे हुई गुस्से की? और ये क्या है? ये वो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटी, तू खाम खा नाराज हो रही है। दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? हाँ, मगर मैं तो खाली हाथ गया था, और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए। क्या हुआ? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। ये तू क्या मेरे को कुत्ते का पिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। है? आपकी तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी।
तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं, मेरे होते हैं। आप कैंप में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जिसके बारे में जो सपना देखा है वो हुआ है। एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देकर जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता। देखे, अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरे को रस्सी कट कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना सच होने वाला है। और फिर ये तस्वीरों वाली बात, कबेर। गुड मॉर्निंग सर। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, आइए 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 आइए। हेलो सर, सर मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आप कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, कितना डिसिप्लिन है आप में, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। एक आप है और एक सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, मैं आपको क्या बताऊँ, आप बस इस खत को पढ़िए। जान, इस खत को पढ़कर नाराज मत होना, क्योंकि इस खत में अल्फाजों की जगह अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर कर आपकी खिदमत में पेश किए मैंने। जान मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार, मेरे देखने से तुम्हें गुस्सा भी आता होगा। हाँ, लेकिन नाराज मत होना जान, ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान, मेरी मोहब्बत को मेरा नजराना समझ कर कबूल कर लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ लिया आपने सर? हाँ, पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। सर मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी? हाँ। और इसी वक्त? हाँ। देता हूँ, नेक काम में देरी किस लिए। ये तुम्हारा खत और ये है मेरा जवाब। बड़े बदतमीज किस्म के आदमी आप। मैंने आपके एक स्टूडेंट के बदतमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप मुझे ये लिख कर देते कि आपको मुझे शादी करनी है। हाँ। बड़े घटिया किस्म के आदमी आप। नहीं नहीं, मैं आप बड़े मिलकर भेजा स्टूपिड। खड़क सिंह, ये सब क्या है? वही सर जो आप देख रहे हैं। सर अगर आप भी मेरी जगह पर होते और ये आपसे जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर मुझे गलत फहमी हो गई। अयूत, ये क्या यूं लगा रखा है? आप रोहित को क्यों नहीं बुलाते जिसने मुझे खत लिखा है? रोहित, बात सारी समझ में आ गई सर। ये हरकत रोहित की है, उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कहा कि एक खूबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हें कुछ देकर जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिट्ठी देकर जाएगी। इस फ्रॉड सर, रोहित को बुलाइए सर। सर आपने मुझे बुलाया सर। रोहित, क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खातिन को दिया था? एक मिनट, उधार वाला चुम्मा है ना, प्यार से दे दो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। है सर, ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता और ये खत मैंने इनको नहीं लिखा। और अगर आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप खड़क सिंह जी से पूछिए, ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड्डी में घूमता था। अरे चड्डी में घूमने का और खत लिखने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर, उसकी बात मत बिल्कुल बताइए, बिल्कुल झूठा इंसान है। हां भाई, कौन जो मुझ पे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही है? सर आप इस खत को ठीक से पढ़िए, क्या इस खत की हैंडराइटिंग मुझसे मिलती है? क्या मैंने कभी किसी से शादी की है यहाँ पर? नहीं नहीं, ये तो अनवर की है। तो आप अनवर को बुलाइए सर। तुम क्या जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइए आइए अनवर मियाँ, तशरीफ लाइए। आदाब भाई। अनवर मियाँ, क्या खूब लिखते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। और हैंडराइटिंग भी कमाल की है। शुक्रिया शुक्रिया। बस आप सीधे हो जाइए हुजूर। और ये बताइए कि ये खत इन मोहतरमा को आपने लिखा था? सर मैंने इनको नहीं लिखा था। तो? बल्कि इनकी बेपनाह चाहत की गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था। कोई भी गड़बड़ की ना तो सबको बता दूंगा कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था। अनवर, तू डर मत, तू सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था। मैंने लिखा था सर। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आप चुप रहिए, आप मेरे दोस्त को डराने की कोशिश कर रही हैं। अनवर, ये खत इनके घर किसने पहुंचाया था? मैंने पहुंचाया था सर। नहीं पहुंचाया। आप,
अनवर। सबसे अच्छा सर। अनवर, तुम ऊपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमाश हो, इसकी सजा मिलेगी। शुक्रिया। अनवर मेरे भाई, कैसा है तू? रोहित, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो किसी को मत बताना कि मेरे साथ बस में क्या हुआ। कैसी बात करता है तू अनवर? आज तक मैंने कभी किसी से बताया कि तेरे साथ थिएटर में क्या हुआ था? तू भाग अनवर, तू भाग। और तू देख, मैं तेरा बदला लेने के लिए क्या करता हूं। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं बंजारन, जंगल में जा रही थी, सांप मारे पीछे पड़ गया। मारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टेंट में घुस गई। अच्छा, मैं चलती। अरे ठहरो ठहरो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। बाहर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, कहीं तेरे को डस लेंगे। तुम्हारी बात में एक पॉइंट है, लेकिन तुम्हारे मेरे पर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो मैं इधर रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मारे में भी एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? मेरे को रात को गरबा खेलकर सोने की आदत है। तुम्हें मेरे साथ गरबा खेलोगे? खेलेंगे खेलेंगे। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े छाजो रे मारवाड़ा मारवाड़ी में अब नहीं। एकदम नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकता अभी। बचाओ! 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 भाई साहब, सांप के डर से मैं जंगल से भाग कर आई। मुझको क्या मालूम था कि यहाँ इतना बड़ा कोबरा बैठा है। इस मूंछ वाले कोबरे ने मेरे को डस लिया। भाई साहब, मेरे को आपको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। मेरे को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। इंसाफ दिलाना पड़ेगा। घबराइए मत आबाजान, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ ये एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं, आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे और पुलिस को बुला कर रहेंगे। पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकदम शरीफ इंसान हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। अरे बेवकूफ खड़क सिंह, कुछ किए बगैर ही हवालात में आ गया।